हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेताला गेमिंग। मैं फिर से आ गया माइनक्राफ्ट का एक और नया वीडियो लेके। तो आज हम लोग करने वाले हैं पांच पांच वेदर वॉच से फाइट। तो ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा क्योंकि पिछला वाला वीडियो जिन जिन लोगों ने देखा है उस पर हम लोगों ने ये सारा स्कल लेके आया था मार के उन लोगों को। और ये लाइटिंग जो इफेक्ट हो रहा है थोड़ा सा अलग टाइप का, तो मैंने एक नया शेडर ट्राई किया है, लेकिन अभी नॉर्मल ही रहेगा, वैसे आरटीएक्स वाला फील नहीं आएगा, तो ऐसे नॉर्मल ही रहेगा। ऐसे ही खेलने वाले हैं आप, तो अभी फटाफट ये पीछे वाला स्कल तोड़ लेते हैं और आप लोगों से मिलते हैं गाइस। तो गाइस, हम लोगों ने सारा स्कल उधर से उतर लिया। एक्चुअली हम लोग नेदर से लेके आए थे 16 स्कल, तो गलती से आप लोगों को उस वाले वीडियो में 15 बोला था, तो एक स्कल हम लोग इधर अपने घर पर ही छोड़ रहे और बाकी का 15 इसके पास है। और फिलहाल तो इसने अपने स्किन के ऊपर ये टैटू बना लिया है यूट्यूब का, तो आप लोग भी दबा के ठोको सब्सक्राइब। वो जो रेड वाला बटन है वो ग्रे हो जाना चाहिए। कैसे करोगे, क्या करोगे कुछ नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस। तो गाइज, हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ा बेस से दूर जा रहे हैं क्योंकि ये उधर वाला बॉस अपना ये तोड़ सकता है घर या अपना महल, सब कुछ तोड़ सकता है, इसीलिए हम लोग उसको लेके थोड़ा दूर जा रहे हैं। एक अच्छा सा जगह ढूंढते हैं उनसे फाइट करने के लिए, फिर फटाफट मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस, हम लोगों ने बहुत ढूंढने के बाद ये जगह ढूंढ निकाले रे बाबा, पसीना छूट गया रे जगह ढूंढने के लिए। तो ये वाह वाह भाई वाह, इसने गिरा दिया मेरे को गाइस। ये पानी से कूदेगा अभी कोई ना, तो अभी इधर भी फाइट नहीं कर सकते और इधर खोद के अपने को जाना है कितना दूर, बेडरॉक तक। ओके, बेडरॉक तक जाना है तो खोद लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। वैसे आप लोग जो ये लाइटिंग इफेक्ट देख रहे हो ना, ये मेरे शेडर का है, तो इसको मैंने अभी तक सेटअप नहीं किया, तो वो कर लूँगा मैं बाद में। तो फटाफट चल के मिलते हैं और बने रहिए वीडियो में, लाइक वाइक कर दीजिए, शेयर वेयर कर दीजिए दोस्तों से। इस फाइनली हम लोग इधर घुस चुके हैं और ये गड्ढा हम लोग इधर से खोदते हुए नीचे आए, तो इधर थोड़ा जगह बना लिया क्योंकि हम लोग ये ज़मीन के नीचे क्यों फाइट कर रहे हैं आप लोगों को पता ही होगा। ये उधर बॉस जो है ये उड़ के मारता है, और इधर हम लोगों ने एक छोटा सा चेंबर बनाया ताकि इधर स्पॉन करने के बाद वो ब्लास्ट होता है एक बार, जैसे कि मेरे को पता चला कि इसने बताया मेरे को डीवी सर ने, तो इधर वो एक बार ब्लास्ट होता है स्पॉन होने के बाद, तो स्पॉन करके हम लोग इधर घुस जाएंगे, उसके बाद फाइट करेंगे। तो हाँ, अभी फटाफट कर लेते हैं स्पॉन, देखते रहिए आप लोग। चल चालू कर वो स्ट्रेंथ का पोशन। ओके ओके, और ये पोशन भी इसने लेके आया था बना के, और ये पी लेता हूँ मैं। पी लूँ? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, जब क्या कहते फट जाए ना तब। तो मैं भी पोशन साथ में रख लेता हूँ, एक दो लास्ट आप लगाओ। ए यार मेरे को ही मरवाना है, रुक। स्टार्ट आप करो, लगा किसी तरह भाग जाना। साला ब्लॉक आ गया कितना सारा, रुक जाऊंगा। तो लगाना किधर, इसके ऊपर कैसे लगाओ अभी? हाँ जम करके। भागो, फटा। अबे यार अबे मर जा, तोड़ फोड़ के कहाँ जा रहा है भाई ये। वो ही मार रहा हूँ मैं तो, साला पूरा एरिया क्लियर कर दिया। ऐसा पैटर्न नहीं बना सकते इसको, जला दिया मेरे को। अबे चेंबर की छोड़, मेरे को ही मार रहा है बे। मर गया गाइस, फाइनली स्टार मिला भाई मेरी हेल्थ। फाइनली गाइस, फाइनली फोड़ा भाई। ये क्या था बे, क्या उद्यम था ये, क्या कर दिया इधर जगह की हालत क्या कर दी इसने। चार ऐसे और मारने। तो गाइस अभी दूसरे बॉस का टाइम, वो एरो लगेगा नहीं उसको। कर 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 कर, भागने का रास्ता तो बना लूं बे। तेरा भागने का
ये क्यों लगा रहा है टट्टी? इधर लगा, वार्ड लगा, भागेगा कैसे, मरेगा तो। इधर मैं तो ऊपर भागूंगा। ओके 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 पोशन में पीना भी एक गोल्ड में पल लेता हूँ। बन रहा है देखो गाइस कैसे। चलो 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 आपके पीछे क्यों पड़ता है? मेरे पीछे पड़ गया। मर जा। मर गया। चलो खा लिया मैंने, खा लिया पहले ही। वो से बहुत टाइम लगेगा, तलवार से इतनी जल्दी मर रहा है इसलिए। और बिना बोका ये उतना अच्छा, भाग उधर से, यहाँ आके मेरे पीछे ही पड़ेगा ये। इधर से थोड़ा बूम मारो, देखो उसको बोलो कि कोई नहीं है तो। कहाँ भाग रहा है बे? अरे ऊपर जा रहा है। क्या ले लिया मैंने, बम गिराता है। रुक गया दीपी, मर गया एक एक दो मर गया। चला इसने गड्ढा बनाया कि क्या बनाया वो? ओके ना, एक नेदर स्ट्रमे को मिल गया। तीन अब दो आपके पास है ना? रुक, हाँ दो मेरे पास है। क्या कर दिया इस जगह का हालात, क्या कर दिया? तो गाइस हम लोग गड्ढा बनाते हैं फिर से नया और मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस छोटा सा गड्ढा बनाया इस बार हम लोगों ने, क्योंकि ये तोड़ फोड़ के बड़ा बना ही देगा, तो बेकार में बड़ा गड्ढा बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये स्पॉन कर रहे हैं अभी, कर ले। इस साइड रहना, उसको डैमेज पड़ेगा आपको। इतना पड़ेगा एक बार एक्स मारूंगा बस। मारा मैं दो इधर, ये साला मेरे पीछे क्यों पड़ता है हर बार? आजा मार खा। इधर गया कंडी, मर भी जाया करो। हेल्प खोल ले मेरा। मरा। देखो गाइस छोटा सा गड्ढा बनाया था ना, देखो इसने कितना बड़ा, इसको रखेंगे भाई गड्ढा खोदने के लिए। मेरे को किसने चलाया भाई? ये ऐसे पेट नहीं बना सकते इसको? नहीं, इसको मेरे को पेट बनाना है गड्ढा खोदने के लिए। चलो ऊपर चलते, लास्ट वाला ऊपर मार दे। ये मौत पे मुंह में जाने के लिए बोल रहा है गाइस, चलो फिर भी ट्राई करते हैं। तो गाइस हम लोग गड्ढे से बाहर निकल चुके, अभी करना है बाहर बस एक बॉस से फाइट। तो अभी पता नहीं, अंदर हम लोग आसानी से मार रहे थे, उतना ज्यादा वो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बाहर क्या होने वाला है कुछ पता नहीं, तो देखते क्या होता है। बहुत देर तक रहता है, कोई दिक्कत नहीं, चलो मार देंगे। बहुत से मारना है ना, चिमकंडी को लगता ही नहीं है ऐसे। देखो गाइस ये जब तक फटेगा नहीं तब तक इसको लगेगा नहीं।
क्या है बे ये, हट अभी थोड़ा हार्ट पड़ने वाला है, इतने देर में इसका आधा हेल्थ चला जाता है केब में होता था। तो भाई अबे यार वो मिस भी हो रहा है, बराबर नहीं लग रहा। मर गया मर गया फाइनली। कर क्या दिया है इस हालत में भाई, इसको बाहर नहीं छोड़ सकते भाई। इधर ये फटाका फटाका कैसे फूटा, देख कितना डैमेज कर दिया। अरे ये गड्ढा नहीं, ये देख रुको गाइस, इसको बाहर छोड़ेंगे तो ये गड्ढा नहीं दुनिया तबाह कर देगा। हाँ तो गाइस फाइनली मार चुके हम लोग। ये तेरे पास है क्या? मेरे पास चार आया, तेरे पास दो छे? मेरे पास एक है तेरे पास। हाँ एक ही तो का, पांच था। तो गाइस फटाफट घर चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस फाइनली फाइट खत्म करने के बाद हम लोग घर पे आ चुके हैं और इधर हम लोग बनाने वाले अपना फर्स्ट बीकन। तो फर्स्ट बीकन अपने पास जितना अवेलेबल रिसोर्सेस है उसी से बनाएंगे। एक तो अपना आयरन फार्म है जो भर भर के आयरन देता है, वो तो बनेगा आयरन का बीकन, और एक बनेगा अपना गोल्ड फार्म से गोल्ड ला के गोल्ड का बीकन। तो गोल्ड और आयरन शायद ये ला चुका है मैं थोड़ा ओके हाँ ला चुका है ये गोल्ड और आयरन, और बाकी का एमरल्ड और नेदरराइट, और क्या बचा? एमरल्ड नेदरराइट एक और है ना, एमरल्ड नेदरराइट और डायमंड डायमंड ओके बाकी का बनाएंगे। डायमंड अपने पास उसे थोड़ा सा पड़ा हुआ है लेकिन उतने में नहीं होगा, अपने को फिर से जाना पड़ेगा माइनिंग पे, तो वो हम लोग करेंगे। जितना पड़ा उतना सात ब्लॉक बनेंगे, तो सात ब्लॉक बना के ले आता हूं। सात ब्लॉक बना के क्या ही होगा, नहीं होगा ना उसमें। ठीक है तो गाइज अभी मैं बीकन बना रहा हूँ, आप लोग देख लो इधर। बस आप लोगों को रेसिपी याद हो तो सही है, जैसे कि मेरे को रेसिपी नहीं पता तो मैं इधर आके सर्च करूंगा बीई, ये आ गया बीकन। अभी मैं शिफ्ट दबा के सारा ले रहा हूँ। ओके एक आ गया, ये फिलहाल के लिए दो ही बना रहा हूँ। ओके क्यों सारा बना लो नहीं, क्या बना के रखो। ओके चलो गाइज सारा बना लेते हैं। चलो तो अपना पांच बीकन बन गया, अभी इसने इधर ये ब्लॉक लगाना चालू कर दिया। ये आयरन का ब्लॉक है ये, तो फिर अपना ये आयरन बीकन होगा। मैं इनको छेड़ता हूँ यहाँ, तो हम सो के सुबह कर लेते घर पे जाके। गाइस मिलते गाइस, हम लोगों ने सुबह कर लिया है। तो अभी इधर ये जो बक्सा बना रहे हम लोग, ये 9x9 का बनता है और एक एक करके कम होता जाता है, जाके आखिर में एक ही लगेगा जो अपना बीकन लगेगा। तो ये कर लेते फटाफट और आप लोगों से मिलते हैं। गाइस हम लोग इधर पूरा कर चुके हैं लेयर, अभी आखिरी लेयर बचा हुआ है, तो ये कर रहा है आखिरी लेयर और इसके बाद लगेगा बीच में ये ऐसे। हो गया ये चालू, लेट्स गो, ये चालू हो गया। अभी ये बना आयरन का, अभी गोल्ड का इधर बनाना है। ये डिजाइन कर रहा हूं मैं, तेरा डिजाइन गोल्ड का बीकन। तो सेम टू सेम प्रोसेस है इधर, ये वाला जैसे बनाया सेम टू सेम, एक एक लेयर ऊपर जाता जाएगा, आखिर में मैं लगाऊंगा बीकन उसके ऊपर। और इसका एक मस्त सा आवाज आता है, आपको सुना था ये देखो, जैसे कि वो क्या बोलते हैं बड़े वाले इलेक्ट्रिसिटी सेंटर में जैसे होता है ना वैसा, तो अच्छा लगता है सुनने में भी। तो ये भी फटाफट बना लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने गोल्ड वाला भी बना लिया इधर, तो इसके ऊपर लगाना है बीकन। ओ सर जी करंट लगेगा, हटो ये देखो करंट चालू, जनरेटर चालू हो गया गाइस अपना। तो हम लोगों ने गोल्ड और आयरन वाला बनाया, बाकी का बनाएंगे। थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ेगा उसके लिए, थोड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा, थोड़ा निधर में जाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। क्या हो गया, क्या देख रहे हो उसके अंदर? हेलो
ये नेदर जैसा आवाज भी देता। ये क्या हो रहा है? हाँ ये कुछ पावर मिली, पावर कैसे मिला? मैंने अंदर वो आयरन डाल के ले लिया। आयरन डाल के ले लिया? हाँ वो आता है। ओके 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 अंदर दिख रहा है, दिख रहा है। ये वाला देता है स्पीड और वो। क्या नहीं ये वाला देखा, स्पीड रिजर्वेशन नहीं देता, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ स्पीड देता है। इसके अंदर मैंने आयरन, तो बस गोल्ड, एमरल्ड और डायमंड ये सब भी डाल दूंगा। नहीं। तो गाइज ये दो तो हम लोग बना चुके हैं अभी फिलहाल के लिए। डायमंड का ब्लॉक जितना है उतना इधर लगा रहे, बाकी का ग्राइंड करने जाएंगे हम लोग। वो कितना है भाई तेरे पास? इतना ही? इतना ही है। बाबा बनाने की क्या जरूरत थी, छोड़। तो गाइज ये भी हम लोग ग्राइंड करके लेके आएंगे। वैसे अपने पास वो वाला क्या बोलते उसको, फॉर्चून 3 वाला है पिकेक्स। फॉर्चून 3 से मिलता है या किससे मिलता है ज्यादा ज्यादा? हेलो। हाँ फॉर्चून 3 से मिलता ओके है। ओके मैं फिर भूला नहीं गाई, सही है। वैसे मैं भूल जाता हूँ, मेरा याददाश्त थोड़ा कमजोर है। कोई गुस्सा वुस्सा मत होना, मैं कुछ भूल गया तो याद दिला देना बस। और सब लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, ये देखो इधर से ये सब सारा मिलता है। तो इसके लिए आयरन, गोल्ड, ये क्या है, ये एमरल्ड है, ये डायमंड है, और ये कुछ पता नहीं क्या होगा, नेदर वेदर वगैरह कुछ होगा। तो ये सब डाल के पावर लेना पड़ता है इससे। जैसे कि अभी पावर देखो हम लोग कितना तेज़ भाग रहे हैं। इसके एरिया जितना होगा उसके अंदर रहेंगे तो ये पावर अपने को मिलता रहेगा। तो हाँ वैसे आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं थोड़ा ज्ञान बांट दिया। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय सबको। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, प्लीज़ लाइक कर दो। और दोस्तों तो शेयर करो यार, सब्सक्राइबर बहुत दिनों से नहीं बढ़ा। शेयर करो और फटाफट लाइक कर दो। और अपना गोल्ड फार्म और आयरन फार्म वाला वीडियो जो लोग भी नहीं देखे होंगे वो देख लेना जाके आई बटन यार। में आ रही है आई लिंक। बटन में एक का लिंक आएगा और बाकी सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाके चेकआउट कर लेना। और नहीं तो आप लोग कमेंट करते रहते हो, भाई इतने एक्सपी कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। तो देख ले, अगर हम लोगों ने सारा चीज़ बना के रखा है, जितना हम लोग यूज़ करते हैं उतना हम लोग बना के रखे हैं। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय सबको, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। बाय बाय बाय। बाय।